ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय भी अब ऐश्वर्या के घर बिल्कुल भी नहीं जाते और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी से भी बहुत ही अलग थलग नजर आ रहे हैं। इस बार जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल विधानसभा पहुंचे और वहां पर विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई और बाकायदा 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर एक मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में तमाम लोगों को आना था, लेकिन वहां पर चंद्रिका राय नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि अब आरजेडी से उनका बिलगाव हो चुका है, अब वो आरजेडी से नाता नहीं रखना चाहते। तो इस तरीके से ऐश्वर्या राय और चंद्रिका राय का लालू परिवार के तरफ से मोह भंग होता जा रहा है। ऐश्वर्या राय ने तो हालांकि अपनी बात को कहा नहीं है, ऐश्वर्या तो चाहती हैं कि वो लालू के घर में ही रहें, इसीलिए तेज प्रताप यादव घर में नहीं आते, फिर भी ऐश्वर्या वहां पर बनी हुई हैं। राबड़ी देवी के आवास में ऐश्वर्या राय अभी भी रह रही हैं, क्योंकि महिला आयोग ने कहा था कि जब तक तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऐश्वर्या घर से बाहर नहीं जाएंगी, वो वहीं रहेंगी ससुराल में ही। तो फिलहाल ऐश्वर्या अपने ससुराल राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में रह रही हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने भी अब घर छोड़ दिया है। सदन की जब कार्यवाही पूरी हो गई, तब लालू प्रसाद यादव के घर एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आरजेडी के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दरमियान दो लोग नहीं पहुंचे, लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव के समधी और ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय। उनको लगातार लोग ढूंढते रहे, निगाहें ताकती रहीं कि दोनों आ जाएंगे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब भी पार्टी की कोई गंभीर समस्या होती है या कोई गंभीर रणनीति बनाई जाती है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है, तो वहां पर चंद्रिका राय मौजूद नहीं होते हैं। जबकि चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के नहीं रहने पर एक गार्जियन की भूमिका निभा सकते थे और आरजेडी की बागडोर को संभाल सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। चंद्रिका राय पार्टी के किसी भी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं नजर आ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण शीतकालीन सत्र के दरमियान जो बैठक हुई और रणनीति बनाई गई, उस रणनीति में वो सम्मिलित नहीं हुए। और इसके अलावा तेज प्रताप यादव भी नहीं पहुंचे। माँ भी घर पे निहारती रही कि बेटा आएगा, लेकिन बेटा तो वनवास पर है। तेज प्रताप यादव की एक अलग ही मंशा है कि जब तक ऐश्वर्या घर से नहीं निकलेंगी, वो नहीं आएंगे, लेकिन ऐश्वर्या है कि घर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे में तेज प्रताप यादव कभी घर वापस लौटेंगे? क्या तलाक हो जाने के बाद ऐश्वर्या को छोड़ना होगा राबड़ी आवास? सवाल बड़ा है। आखिर तेज प्रताप यादव क्या सही रास्ते पर आएंगे, अपनी पत्नी को अपनाएंगे? सवाल बड़ा है और इन्हीं सवालों का जवाब आप तमाम दर्शकों को देना है। तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि वाकई में क्या तेज प्रताप को ऐसा करना चाहिए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके ससुर ने भी पार्टी से ही मुंह मोड़ लिया। कहा जाता था कि राजनीतिक हित के लिए ही बेटी को दांव पर लगाया था चंद्रिका राय ने, लेकिन अब सब कुछ मटियामेट होता हुआ नजर आ रहा है और इज्जत ताक पर है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।